नमस्कार दोस्तों, कार इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिचार्ज ऑफर के बारे में। इस ऐप से आप जब भी रिचार्ज करते हैं तब आपको कोई ना कोई ऑफर यहाँ पे मिल ही जाती है। यहाँ पे कुछ ऑफर तो ऐसी होती है जहाँ पे आपको 25% का कैशबैक भी मिलता है। तो आइए हम एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। वहाँ पे सर्विस पे कई सारे ऑफर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर देखें तो वहाँ पे आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे रिचार्ज पे हम टैप करते हैं। रिचार्ज पे ओके करने के बाद आपको आगे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रीपेड डीटीएच ब्रॉडबैंड डेटा का बोल रहा है, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एक सिलेक्ट करके वहाँ पे अपना नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद अपना कोई भी रिचार्ज प्लान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लान सिलेक्ट करने के बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी ऑफर मिल जाएगी। आपको सिलेक्ट ऑफर सेव मोर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अमेज़ोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, अमेज़ोन पे, एयरटेल मनी। तो यहाँ पे आपको कई सारी ऑफर दिखाई देती है। तो यहाँ पे यदि आप फर्स्ट बार एयरटेल यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको 50% मैक्सिमम आपको 40 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेज़न पे वॉलेट करके एक ऑफर चल रही है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50 रुपीज़ का या मिनिमम 10 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो ऑफर वैलिड है वो 30 जून तक ही वैलिड है। तो हम यहाँ से अप्लाई नाउ कर लेते हैं। अप्लाई नाउ करने के बाद हमारा अमेज़न पे में से जो भी वॉलेट में बैलेंस होगा वो कटेगा, और वहाँ से हमें अमेज़न पे वॉलेट से पेमेंट करने पर भी हमें यहाँ पे कैशबैक मिल जाता है। और ये जो कैशबैक है वो आपको अमेज़ॉन पे बैलेंस में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे अप टू 50 रुपीज़ का यहाँ पे कैशबैक बता रहा है। हम यहाँ से पे कर देते हैं। प्रोसेसिंग पेमेंट पे चल रहा है रिचार्ज सक्सेसफुल। यहाँ आप देख सकते हैं हम रिचार्ज है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है। और आगे हम अमेज़न एप्लीकेशन को भी ओपन करके देख लेंगे क्या हमें वहाँ पे कोई बैलेंस मिला है या नहीं मिला। तो ये जो कैशबैक होता है वो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में नहीं मिलता, लेकिन हमने जो रिचार्ज किया है वो अमेज़न पे से किया है, इसलिए हमें अमेज़न पे एप्लीकेशन में ही चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो रिचार्ज का जो बेनिफिट है वो हमें मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करके यहाँ पे हम अपने अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अमेज़न पे में चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एयरटेल ऐप से 155 रुपीज़ का एक रिचार्ज किया था, उसके लिए हमें 12 रुपीज़ का यहाँ पे हमें कैशबैक मिला है। जो कैशबैक की जो लिमिट थी वो मिनिमम 10 रुपये से लेकर 50 रुपीज़ तक की ऑफर थी, तो यहाँ हमें 12 रुपीज़ का कैशबैक मिला है। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से अमेज़न वॉलेट में यूपीआई से पैसे ऐड करके वहाँ भी आपको कैशबैक मिल सकता था। तो उसी कैशबैक से हमने फिर से रिचार्ज किया और कैशबैक के ऊपर भी हमें यहाँ पे कैशबैक मिला है। तो इस तरह से आप भी एयरटेल थैंक्स ऐप से कोई भी रिचार्ज करके वहाँ पर आपको अमेज़न पे वॉलेट में कैशबैक मिल सकता है। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। यदि अब तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए ऑफर के साथ, नए कार्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।